ठीक है, तो ये स्क्रीन तुम लोग को दिख रहा होगा, बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था। ठीक है, कोई इशू होगा तो बताना। तो ये हो गया, अब यहाँ पे एंट्री हम लोग कर रहे थे। ये इस तरीके से हम लोग एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, जितना भी रिकॉर्ड इसमें एंट्री करना चाहे हम लोग कर सकते हैं। तो ये दो तरीके से हमने बताया कि हाउ टू क्रिएट टेबल, टेबल को कैसे हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, ये हम लोगों ने दो तरीका देखा। ठीक है, अब टेबल क्रिएट होने के बाद उसमें रिकॉर्ड कैसे इंटर किया जाता है ये भी हम लोगों ने सीख लिया। दो टेबल है देखो, दोनों टेबल में जो रिकॉर्ड एंट्री हुआ वो भी हम लोग को दिख रहा है। नाउ आई वॉन्ट टू मॉडिफाई स्ट्रक्चर ऑफ टेबल। ठीक है, अब टेबल क्रिएट होने के बाद ऐसा लगा कि नहीं, टेबल कुछ और भी चेंजेस करने थे, कुछ और कॉलम ऐड करना है, या पुराने कॉलम को डिलीट करना है, या फिर कॉलम का नाम चेंज करना है, या उसका डाटा टाइप चेंज करना है, या उसका लेंथ चेंज करना है, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर में चेंजेस करना है। तो टेबल क्रिएट होने के बाद भी हम स्ट्रक्चर में चेंजेस ला सकते हैं। ठीक है, कैसे चेंजेस ला सकते हैं, ये डिजाइन व्यू में चले जाएंगे, ये स्क्रीन आ गया। अब जैसे ये टेक्स्ट है, एस नेम का साइज यहाँ पे दिख रहा है 255। ठीक है, हमें इतना साइज नहीं रखना है, हमें क्या करना है, साइज 50 करना है, 50 कर देंगे। ठीक है, सेव कर देंगे, यस, ये हमने कर दिया। अब इसके बाद ये अभी तक कोई रिकॉर्ड पे फर्क नहीं पड़ा। एक चेंजेज हमने क्या किया कि डाटा टाइप का जो साइज था वो साइज हमने रिड्यूस किया। अब दूसरा एक और चेंजेज करना चाहते हैं कि इसमें हम एक नया कॉलम ऐड करना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे टेबल को डिजाइन व्यू में ओपन कर लेंगे, एंड आफ्टर ओपनिंग द टेबल राइट द न्यू फील्ड नेम। जैसे मान लो एक ले लेते हैं हम एफ नेम, ठीक है, फादर्स नेम एंट्री करने के लिए। इसका डाटा टाइप हमने टेक्स्ट ले लिया, साइज इसका हम कुछ और कम कर देते हैं, मान लो 50 कर देते हैं। तो ये हम नया कॉलम भी उसमें ऐड कर सकते हैं। अभी देखो एफ नेम ये नया कॉलम ऐड हो गया, लेकिन इसमें कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू यहाँ से हम इंटर कर सकते हैं कुछ भी, ठीक है, बाद में हम सेपरेट उस कॉलम के लिए एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, कुछ भी एंटर कर दिया। ठीक है, तो ये नया कॉलम बाद में हम ऐड कर सकते हैं और उसमें भी वैल्यू को हम एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टेबल क्रिएट होने के बाद भी हम उसके स्ट्रक्चर में चेंजेस कर सकते हैं, यानी नया कॉलम ऐड करना है वो कर सकते हैं, पुराने वाले कॉलम का साइज चेंज करना है वो भी कर सकते हैं, इसके बाद अगर पुराने कॉलम को डिलीट करना है वो भी कर सकते हैं। फिर से यहाँ से डिजाइन व्यू में चले जाएंगे और जिस कॉलम को डिलीट करना है उस पर राइट क्लिक करेंगे और डिलीट यहाँ पे जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो वो कॉलम हट जाएगा, वो फील्ड उस टेबल से हट जाएगा। ठीक है, तो ये भी काम हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से टेबल को क्रिएट करने के बाद उसको मॉडिफाई किया जा सकता है, उसमें रिकॉर्ड जो एंट्री किए हैं वो भी मॉडिफाई कर सकते हैं। रिकॉर्ड को मॉडिफाई करना आसान है, जैसे मान लो यहाँ पे रवि कुमार एंट्री, हम चाहते हैं कि यहाँ पे रवि कुमार सिन्हा हो जाए, तो ये चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे रुपेश है, रुपेश कुमार यादव करना चाहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आफ्टर क्रिएटिंग अ टेबल एंड आफ्टर इंटरिंग रिकॉर्ड्स यू कैन मॉडिफाई स्ट्रक्चर ऑफ टेबल आल्सो एज वेल एज यू कैन मॉडिफाई रिकॉर्ड्स आल्सो। ठीक है, तो ये चेंजेज हम लोग कर सकते हैं। एक आर्यन का क्वेश्चन है, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ एसआईडी। एसआईडी हियर एसआईडी स्टैंड्स फॉर स्टूडेंट आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, वो तुम लोग नाम कुछ भी दे सकते हो, हमने दिया एसआईडी का मतलब क्या होता है कि स्टूडेंट्स आइडेंटिफिकेशन।
एस फॉर स्टूडेंट आईडी से आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। अदरवाइज तुम लोग यहाँ पे एडमिशन नंबर दे सकते हो, रजिस्ट्रेशन नंबर दे सकते हो, कुछ भी एक ऐसा फील्ड हम लोग दे सकते हैं जिसको हम प्राइमरी बनाना चाहते हैं, ठीक है, जिसके जरिए हम रिकॉर्ड को ट्रेस कर सकते हैं, राइट। यहाँ तक किसी को कोई इशू है तो बोलो, हाउ टू क्रिएट टेबल, हाउ टू मॉडिफाई स्ट्रक्चर ऑफ टेबल, हाउ टू इंटर रिकॉर्ड, हाउ टू मॉडिफाई रिकॉर्ड, हाउ टू एड न्यू कॉलम इन एग्जिस्टिंग टेबल, हाउ टू डिलीट एग्जिस्टिंग कॉलम इन ओल्ड टेबल, कुछ समय अगर दिक्कत है तो वो अभी डिस्कस कर सकते हो, उसके बाद फिर सेकेंड पॉइंट पे मूव करेंगे। टेबल से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो बता सकते हो किसी को भी, जस्ट रेज योर हैंड और यू कैन टाइप योर क्वेरी इन चैट बॉक्स ऑल्सो, एनीवन। किसी का कोई क्वेरी है, कोई भी, जस्ट टाइप यस और नो इन चैट बॉक्स, ठीक है। चैट बॉक्स में यस और नो कम से कम जरूर इंटर करोगे, जिससे पता चले कि हाँ कुछ पूछना है, कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, मेरी आवाज तुम लोग जा रही है कि नहीं आ रही है, तुम लोग समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो। वेरी गुड, श्वेता ने लिखा नो क्वेरी, आयन नो प्रॉब्लम, ठीक है। एक और है, हाउ टू मेक न्यू कॉलम इन एग्जिस्टिंग टेबल, एक्सपीएम का क्वेश्चन, हाउ टू मेक न्यू कॉलम इन एग्जिस्टिंग टेबल, ठीक है, तो वो अभी बताते हैं। सृष्टि का भी नो क्वेरी, ठीक है, निशी नो प्रॉब्लम, गुड। ऐसे ही चैट बॉक्स में अपना रिस्पॉन्स जरूर एंटर किया करो। एक आर्यन का फिर क्वेश्चन है, कैन दिस बी मेड एन एनालिटिकल डेटाबेस सो दैट मॉडिफिकेशन कांट बी मेड इन दैट टेबल, वो भी आगे बताएंगे। सानिया का नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो वन बाई वन आते हैं पहले, और इसके बाद तुम लोग में से वो भी रेडी रहना जो घर बैठे बैठे वहां से टेबल को क्रिएट करना चाहते, ठीक है। अभी हम तुम लोगों को कंट्रोल ट्रांसफर करेंगे, तुम वहीं से टेबल क्रिएट करोगे। तो जो भी रेडी हो गए जस्ट रेज योर हैंड, ठीक है, हम उसको वो परमिशन देंगे कि हाउ टू क्रिएट टेबल फ्रॉम होम, ठीक है। तो एक क्वेरी था कि कैसे हम नया कॉलम क्रिएट कर सकते हैं, जस्ट राइट क्लिक ऑन क्रिएटेड टेबल, गो टू डिजाइन व्यू ऑप्शन, नाउ ऐड द न्यू कॉलम, व्हाट एवर यू वांट टू ऐड। सपोज आई हैव रिटेन एम नेम, एम नेम स्टैंड फॉर मदर्स नेम, इट्स डाटा टाइप विल बी टेक्स्ट एंड इट्स साइज विल बी 30, राइट। So using this step, you can create new field in existing table, right? अब ये बताओ कि तुम लोगों में से कौन इस कमांड को दोहराना चाहता है, तुम वहीं से क्लिक करोगे और काम होता जाएगा। किसको कंट्रोल दें ये बताओ। रितिका, रितिका को कंट्रोल देते हैं, लिस्ट में पहला नाम इसको दिख रहा है हमें, तो रितिका accept the permission, now create table, Ritika, yes, create table, how will you create, home tab के बगल में create tab है, उस पर touch करो, create पे touch करो, होम के बगल में है ना क्रिएट, और ऊपर जाओ, हाँ गुड, अब क्रिएट पे आ गए, अब टेबल डिजाइन पे क्लिक कर सकते हो या यहां से भी, हाँ ठीक है। टेबल का नाम एंट्री करो, जिस नाम से टेबल क्रिएट करना है वो टेबल का नाम प्रोवाइड करो, टेबल वन को इरेज करो, वेरी गुड, ठीक है, ओके प्रेस करो, जो भी नाम देना है उसमें कोई इशू नहीं, ये आ गया, वेरी गुड। अब फील्ड का नाम, हाँ क्या क्या फील्ड रखना है वो नाम टाइप करो, गुड, सब्जेक्ट, वेरी गुड,
आप सब्जेक्ट में क्या एंट्री करेंगे, नंबर, कैरेक्टर, डेट क्या एंट्री करेंगे, उसके हिसाब से डाटा टाइप लेंगे। यहाँ पे मैच नहीं लिखेंगे, यहाँ पे डाटा टाइप सेलेक्ट करेंगे। जब पूरा टेबल क्रिएट हो जाएगा तब रिकॉर्ड एंट्री करेंगे, राइट। तो अभी क्या करना है, यहाँ पे डाटा टाइप देना है। डाटा टाइप क्या होगा, टेक्स्ट होगा। सब्जेक्ट में जनरली हम लोग क्या करेंगे, अल्फाबेट एंट्री करेंगे, तो डाटा टाइप टेक्स्ट होगा। तो ये ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके टेक्स्ट को सेलेक्ट करो या फिर टेक्स्ट को टाइप करो, TEXT, यस, ठीक है। अब सब्जेक्ट के नीचे स्पेलिंग गलत हो गया, TEXT होगा, इसको कैंसिल करो, ओके पे क्लिक कर दो। चलो कर देते, चलो हम कर दिया। ये देखो, ये टेक्स्ट डाटा टाइप ले लिए। अब सेकंड फील्ड एंट्री करो। पहला फील्ड हो गया आईडी, उसका डाटा टाइप है ऑटो नंबर। दूसरा फील्ड हो गया सब्जेक्ट, उसका डाटा टाइप हो गया टेक्स्ट। अब क्या करना है, क्लास, ठीक है। क्लास में क्या एंट्री करना है, उसके लिए डाटा टाइप दो। नंबर एंट्री करेंगे या कैरेक्टर एंट्री करेंगे, क्या एंट्री करना है, यहाँ पे डाटा टाइप सेलेक्ट करेंगे, फिर गड़बड़ हो रहा है। एक क्वेश्चन है आर्यन सिंह का, सर व्हाट विल हैपन इफ वी स्किप वन फील्ड, नथिंग विल हैपन, ठीक है। वो फील्ड क्रिएट नहीं होगा जिसको एम्प्टी छोड़ोगे। क्लास में यहाँ वैल्यू इंटर नहीं करेंगे, ठीक है, वैल्यू इंटर नहीं करेंगे यहाँ पे। यहाँ पे क्या इंटर करेंगे, डाटा टाइप। जैसे क्लास में अगर तुम्हें 9-10 एंट्री करना है तो नंबर डाटा टाइप लेंगे, ठीक है। चलो इसको अब हम क्लोज करते हैं, दो ही फील्ड रखो। अब देखो तुम्हारा टेबल बना कि नहीं बना, ये स्कूल नाम का टेबल देखो बन गया, इस पर डबल क्लिक करते हैं। अब यहाँ एंट्री करो, यहाँ से एंट्री कर सकती हो। सब्जेक्ट वाले कॉलम में सारा सब्जेक्ट का नाम एंट्री होगा, क्लास वाले कॉलम में क्लास एंट्री होगा। वैल्यू यहाँ पे हम लोग इंटर करेंगे, ठीक है, इंटर करो, हाँ ठीक है, गुड। इसके बाद कौन करना चाहते हो, वो भी रेज करोगे हैंड। आर्यन सिंह, ठीक है, आर्यन राज भी करना चाहता है, गुड, ठीक है। यहां तो कोई इशू है बताओ, रितिका करने में कोई दिक्कत, टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, नो, ठीक है, गुड। चलो तो अब एक और ट्रांसफर करते हैं कंट्रोल को, ठीक है, क्योंकि समय कम है, एक दो और लोगों को देते हैं, जैसे आर्यन राज और आर्यन सिंह ने दिया, तो चलो आर्यन सिंह के पास कंट्रोल चला गया, ठीक है। अच्छा, अनुराग भी हैंड रेज किया है, ठीक है। चलो आर्यन कैसे टेबल क्रिएट करेंगे, यहाँ से आगे तुमको करना है, टेबल नया क्रिएट करना है, व्हाट विल यू डू। इसके बाद आर्यन राज को कंट्रोल देंगे, हाउ विल यू क्रिएट टेबल, क्लिक ऑन क्रिएट, उनके बगल में क्रिएट है, हाँ क्रिएट पे क्लिक करो, अभी नहीं क्लिक हुआ है, क्रिएट पे जैसे ही क्लिक, हाँ ठीक है। अब टेबल क्रिएट करना है तो चार ऑप्शन है, टेबल है, टेबल टेम्पलेट है, शेयर पॉइंट है और टेबल डिजाइन है, किसी भी एक ऑप्शन का यूज करके कर सकते हो, फिर तुम होम टैब पे आ गए हो, हाँ। अब टेबल पे क्लिक करो, चलो टेम्पलेट भी कर सकते हो, जिससे टेबल क्रिएट करना है उसे कर सकते हो, कोई इशू नहीं। अगर टेम्पलेट का यूज करके करना है तो टेम्पलेट पे जाओगे,
अगर अपने हिसाब से करना है तो ये करोगे, ये टेम्पलेट के हिसाब से क्रिएट हो रहा है। या कोई प्रॉब्लम हो रहा है चैट बॉक्स में? अच्छा माउस नहीं वर्क कर रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, चलो तब तक हम दूसरे को कंट्रोल देते हैं। आर्यन राज हैंड रेज किए हुए हैं तो नेक्स्ट आर्यन राज को देते हैं। आर्यन राज, इसके बाद प्रियम की बारी है। अभी आर्यन राज को हमने कंट्रोल दे दिया। आर्यन राज क्रिएट टेबल, हाउ विल यू क्रिएट इट, ये हम हटा देते हैं, जो पहले आर्यन ने किया था ये भी हटा देते हैं, ठीक है। हाँ अब तुम्हें टेबल क्रिएट करना है आर्यन राज, हाउ विल यू क्रिएट द टेबल, यस ठीक है गुड ठीक है। यहाँ तुम गड़बड़ जा रहे हो, तुम्हारा रिकॉर्ड का वैल्यू एंट्री हो रहा है। टेबल पहले क्रिएट करेंगे, फिर डिसाइड करेंगे क्या क्या फील्ड रखना है। उसके लिए क्या करेंगे, देखो लेफ्ट साइड में टेबल वन कॉलोन टेबल लिखा हुआ है, उस पर राइट क्लिक करो, एक मेनू खुलेगा, उस मेनू में जाओगे डिजाइन व्यू में, तब सारे कॉलम ऐड करने का ऑप्शन आ जाएगा। लेफ्ट साइड में जो छोटा सा जो विंडो खुला हुआ है उसमें सबसे नीचे में टेबल वन कॉलोन टेबल लिखा हुआ, ठीक है उस पर राइट क्लिक करो, एक मेनू खुलेगा उसमें डिजाइन व्यू में जाओगे, हाँ उसी पे राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करो, चलो हम कर देते हैं, लगता है तुम्हारा भी मौत से नहीं काम कर रहा है। ये लोग डिजाइन व्यू में चले गए, टेबल का नाम इंटर करो, यहाँ जो भी टेबल का नाम रखना चाहते हो। टेबल का नाम, चलो ठीक है ये टेबल रख दिया। अब जो जो फील्ड रखना है उसमें, ये जो फील्ड नेम का लिस्ट है इसमें सारे फील्ड का नाम एंट्री करो जो जो फील्ड रखना है। स्पेशल सिम्बॉलिक में एक्सेप्ट नहीं करेगा, यानी पोस्ट ऑफिस जो दे रहे हो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसको चेंज करना पड़ेगा। कर्सर का मूवमेंट इधर उधर हो रहा है, देखो मैसेज देखो, क्रॉस बटन को क्लिक करो तो ये डायलॉग बॉक्स फिर से क्लिक हो गया है, डॉट को इरेज करो, डॉट इरेज नहीं हो रहा है इसलिए बार बार ये मैसेज स्क्रीन पे आ रहा है।
वीडियो को हम क्लोज कर देते हैं और ये डॉट को हटा देते हैं। अब इसका डाटा टाइप दो, जो भी डाटा टाइप देना है, रोल नंबर में कौन सा डाटा एंट्री होगा उसका डाटा टाइप, दोनों एक साथ नहीं होगा, टेक्स्ट और नंबर, या तो टेक्स्ट रहेगा या नंबर रहेगा। इसको कैंसिल करो, क्रॉस बटन पे, हाँ ठीक है। अब यहाँ से इसको ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके इसे सेलेक्ट कर लो, हाँ जो भी डाटा टाइप रखना है। ठीक है, ठीक है, कौन सा डाटा टाइप रखना है, नंबर, चलो ठीक है। अब देखो ये लेस देन वन मिनट दिखा रहा है, ये फिर कटेगा भी, ठीक है, तो बाकी फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में भी देखेंगे अगर ये कट जाएगा तो। उम्मीद है कि टेबल क्रिएट करना सभी को डाटाबेस में आ गया होगा, और नहीं तो फिर इस चीज़ को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि हाउ टू क्रिएट टेबल, हाउ टू क्रिएट डाटाबेस, ये सब, हाउ टू क्रिएट टेबल, ये देखेंगे हम लोग, ठीक है। और ये किसी भी समय डिस्कनेक्ट हो सकता है, कोई बात नहीं, आज अच्छा तुम लोगों ने किया, ठीक है। तो अब ये डिस्कनेक्ट होने ही वाला है, ठीक है, फिर नेक्स्ट पीरियड में हम लोग फिर देखेंगे।